क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स ये चैप्टर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। क्लास सेवेंथ इंग्लिश मीडियम चैप्टर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चल रहा है। यहाँ पर आज मैं ये बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको। ये अपने मन से मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं उससे, और ये आपको फ्रैक्शन आना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आप फ्रैक्शन सीख जाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आता, दो तीन बार इस वीडियो को देखेंगे। देखो करना क्या रहता है, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट वाला ए ले रहा हूँ, ए 3 / 7 + 5 / 21। यहाँ 7 और 21 का एलसीएम लेना है। 7 और 21 का ये जो डिनोमिनेटर में होते हैं इनका क्या लेना है एलसीएम 7 और 21 का। अब 7 और 21 एक 3 से जाएगा, 7 तो नहीं जाएगा, लेकिन 21 3 से बन जाए 21, फिर 7 से 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 3 × 7 हो जाएगा 7 × 3 = 21। यहाँ से देखना करना क्या है, सबसे पहले आप 21 यहाँ लिखेंगे, ऐसे 21 को 7 से डिवाइड करना है। 21 को जब 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 7 × 3 = 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और जो 3 आ रहा है उसको यहाँ पर इससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक 3 आया था अपना और एक 3 हो गया 3 × 3। फिर 21 को 21 से डिवाइड करना है, मतलब एक बार 21 को 7 से करना है, एक बार 21 को 21 से करना है, और 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1 ही आता है, तो 1 को इनटू करेंगे किससे, 5 से। फिर से देख लो, पहले 21 को 7 से डिवाइड करना है, 7 × 3 = 21, 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 × 3। फिर 21 को 21 से डिवाइड करा तो 1 आया, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 5, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 5 × 5 / 21, 9 + 5 कितना होता है 14, और अपॉन में 21 हो गया। कट कर देंगे इसको, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 2/3, ये दोनों नंबर 7 से कट गए, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। ये आंसर आ गया आपका, इसको सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए इसको बार बार देखें ताकि आपको ये आ जाए। आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैंने इधर भी लिया है, करवाता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, बी वाला क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर 3 नंबर है, 4, 8, 2, तीनों का एलसीएम लेना है, 4 का भी लेना है, 8 का भी लेना है, 2 का भी लेना है। ये तीनों नंबर 2 से जाएंगे, 2 से करेंगे 2 × 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, फिर 2 से करेंगे 2 × 2, 2 × 4 बना है, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 2, कितना आया एलसीएम। अगर एलसीएम की बात करें तो 2 × 2 × 2, 3 times 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8 आया। अब मैंने बोला था आपको यहाँ से लाइन खींचना, 8 यहाँ पर लिखना और डिवाइड करने की प्रोसेस स्टार्ट करना है। पहले 8 को 4 से डिवाइड करना है, फिर 8 को 8 से डिवाइड करना है, फिर 8 को 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए पहले 8 को 4 से कर लेते हैं, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 4 × 2 = 2 आया, 2 को ये ऊपर से मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये हो जाएगा 2 × 3। फिर 8 को 8 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 5। फिर 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 4 = 8, 4 आता है, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 5 × 5, 4 × 3 = 12, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8, तो ये 12 + 9 = 17, 17 में 6 जोड़ दोगे 23, 23 डिवाइडेड बाय 8, ये दोनों नंबर कटेंगे नहीं इसलिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से दोनों क्वेश्चन समझेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे आपको आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।